आपको चंद आंकड़े देना चाहता हूं। एक बात सब जानते हैं, ये सामूहिक रूप से हम लोग सब जानते हैं कि जो आरबीआई का, रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य था और है, वो इन्फ्लेशन को लेकर, जो बढ़ती कीमतें हैं उनको लेकर 4% का था। 4% में 2% घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वैसे भी एक बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट या जैसी स्थिति भारतवर्ष की पिछले 10-20 वर्ष में रही है, उसमें माना जाता है कि उसमें लक्ष्य 4% ही होना चाहिए। 4% से ना कहीं नुकसान है, अगर कुछ नफ़ा हो सकता है तो अवश्य नफ़ा होता है। तो ये 4% थी, हालांकि लक्ष्य रहा 4% का, लेकिन जो मई के आंकड़े हैं और जून के आंकड़े हैं, उसमें पहले 5.91 और उसके बाद 6.37 मई और जून में ये आंकड़े आए हैं के दाम बढ़ रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का उत्पादन हमारे देश में घटता चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर सबूत नहीं हो सकता कि सरकार किस तरह से असहाय है और सरकार कोई भी ऐसा काम करने में भी फेल हो चुकी है, जिस काम को बहुत अच्छी तरह हम बहुत सालों से कर रहे थे। तो हमको ही सरकार हैंडओवर कर दें ताकि हम ये बता सकें कि ये दोष किसका है और हम इसको फिर सुदृढ़ और ठीक कर सकें। ये मैं चाहता हूं कि आप ये संदेश दीजिए। सरकारें बदलती हैं जब चुनाव होते हैं, लेकिन जब सरकार बिल्कुल फेल हो जाए तो सरकार को इतनी सूझबूझ के साथ उस पद से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए जो पद उनके लिए और देश के लिए इस समय इतना दुख पहुंचा रहा है, उससे अपने आप को मुक्त कर दें। हम सरकार को चला के दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है।